बाड़मेर से चौहटन और अहमदाबाद को शहर से होकर जाने वाला रास्ता डायवर्ट किया गया है। दरअसल चौहटन रेलवे फाटक पर बन रहे ब्रिज निर्माण के चलते इस मार्ग को माटों वाली गली से डायवर्ट किया गया है। वहीं ओवर ब्रिज का निर्माण क्षेत्र के दुकानदारों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। यहाँ के दुकानदारों की माने तो दुकानों के आगे लोहे की चादरें लगाकर रास्ता बंद करने से पूरा धंधा चौपट हो गया है। वहीं कई दुकानदार तो यहाँ से पलायन कर गए हैं। बाड़मेर के चौहटन चौराहे के रेलवे ओवरब्रिज का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मार्च के अंत तक ओवरब्रिज के निर्माण चालू होने के आसार भी नहीं है। होली का त्यौहार होने से काम एक महीना लेट होने की संभावना है। बावजूद इसके दर्जनों दुकानदारों के लिए लगाए गए बैरिकेड अभी भी मौजूद है, जो कि लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहे हैं। रैनबसेरा रेलवे स्टेशन फाटक पर बरसों से जाम की गंभीर समस्या है। यहाँ पर भारी ट्रैफिक दबाव में रेलवे फाटक बंद होने पर जाम लग जाता था। घंटों रोजाना के जाम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में लोगों की समस्या के छुटकारे के लिए ओवर ब्रिज की स्वीकृति की गई थी। यहां पर काम करने वाली फर्म ने रेलवे फाटक से चौहटन चौराहे तक सड़क को अवरुद्ध कर दिया और इससे दर्जनों दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का संकट पड़ गया है। अब जब काम शुरू होने में समय लगने वाला है तो दुकानदारों का कहना है कि इस अवरुद्ध को हटाकर कुछ समय के लिए इन्हें हटा दिया जाए, जिससे इन्हें राहत मिल पाए। समस्या यहाँ पर फुल अंडरग्राउंड की आवश्यकता थी, परंतु अब किस वजह से ये अपर वाला बना दिया, हमको हाल खराब है। ग्राहक कस्टमर एक भी अंदर आता नहीं है, मतलब वो भूख मरने जैसी नौबतें आ गई है। कितने माह से बंद है ये तो? अब क्या है, 3 महीने से बंद पड़ा है, एक भी आता नहीं है। पत्थर बांध के चले गए, काम बंद पड़ा है 3 महीने से, और बार बार पत्थर खोलते हैं तो गड़े पड़ जाते हैं कि ये क्यों खोल रहे हो आप, तो भाई काम आप चालू तो करो ना। समस्या हो रही है, अभी 1.5 महीना हो गए ये पत्थर लगाए हुए, काम जब तक चालू हुआ नहीं है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कोई रास्ता है नहीं, ग्राहक कोई आते नहीं है, बहुत परेशानी। धंधे में कितना फर्क पड़ा है? धंधे में 10 पैसा भी धंधा नहीं है, रुकता ही नहीं, जगह ही नहीं। आपको बता दें कि बाड़मेर शहर को जल्द ही सभी रेलवे फाटक से निजात मिलने के लिए ओवरब्रिज की स्वीकृति हुई थी। राजस्थान सरकार ने बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहा रैनबसेरा फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की थी। करीब 31.51 करोड़ की लागत से 630 मीटर लंबा 2 लेन ओवरब्रिज का निर्माण होना है। इस ओवरब्रिज निर्माण से प्रभावित होने वाले बिल्डिंग और भूखंड मालिकों को इसका 8 करोड़ रुपये मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। बाड़मेर मुनाबाव रेल के आगमन और रेल शंटिंग के दौरान दिन में कई मरतबा यह फाटक बंद होता था। इसे शहर 2 भागों में बंटने के साथ ही सैकड़ों वाहन चालक जाम में फंस कर परेशान होते थे। अब बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की अनुशंसा पर सरकार ने इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी थी। अब यहाँ काम शुरू होने वाला है।